हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर को कैसे इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि कोरोना ने जो हाहाकार मचा रखा है, उसके कारण अस्पतालों में बेड नहीं है और इसके कारण से हमें मरीजों को घर पे इलाज करना पड़ रहा है, वो भी बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। और इस सब में जो है ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन जो है बहुत जरूरी चीज बन गई है घर पे इलाज करने के लिए जो लोग आइसोलेशन में है। तो दिक्कत तब आती है कि जब हम ऑक्सीजन का अरेंजमेंट कर लेते हैं, सिलेंडर भी हमारे पास होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम इसको कनेक्ट कैसे करें, मरीज को ऑक्सीजन कैसे दें, किस तरह से इसको जो अटैचमेंट से उनको जोड़ा जाए एक साथ और ऑक्सीजन का फ्लो मरीज तक पहुंचाया जाए। तो इस वीडियो में मैंने आज यही कोशिश की है समझाने की कि जो इसके डिफरेंट डिफरेंट अटैचमेंट्स होते हैं उनको हम एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करते हैं और उनका अलग अलग क्या काम है। और जो आप ये इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये कंप्लीट सेट ऑफ फ्लोमीटर है जिसको आप कंप्लीट फ्लोमीटर के नाम से जानते हैं। तो इस फ्लोमीटर को हमें जोड़ना होता है ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ। अब हम बात करते हैं एक एक जो अटैचमेंट है उसके बारे में कि ये क्या है और इसका रोल क्या होता है। जो सबसे पहला पार्ट है वो ऑक्सीजन सिलेंडर है और ये ध्यान रखना जरूरी है कि ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो भरी होनी चाहिए। उसके ऊपर आप देख रहे हैं नॉब है, इस नॉब को जब आप मूव करते हैं तब ऑक्सीजन आगे की तरफ ऑक्सीजन फ्लोमीटर में मूव करती है, तब आपको पता लग जाता है कि सिलेंडर के अंदर कितनी ऑक्सीजन की मात्रा है। उसके बाद आप तीसरा पार्ट जब देखेंगे वो ह्यूमिडिफायर है, इसको हम ह्यूमिडिफायर बोतल के नाम से भी जानते हैं। तो ह्यूमिडिफायर बोतल में दो निशान होते हैं, एक मिनिमम मैक्सिमम का लेवल होता है, इसके बीच तक हमें पानी भरना होता है, इसमें साफ पानी आरओ का पानी भर सकते हैं। और जब आप इसका वॉल्व खोलते हैं तो इसमें एयर बबल्स उठते हैं तो हमें पता लग जाता है कि इसमें ऑक्सीजन का फ्लो हो रहा है। और उसके ऊपर की तरफ का जो पार्ट है इसको हम ऑक्सीजन फ्लो रेट या ऑक्सीजन फ्लोमीटर के नाम से जानते हैं। ये वो पार्ट है जिससे आप ऑक्सीजन की मात्रा डिसाइड करते हैं कि कितनी किसी मरीज को ऑक्सीजन दी जानी है। 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से देनी है, 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से देनी है, 5, 6, 7 इस तरीके से इसमें निशान लगे होते हैं। तो जैसे जैसे ये वॉल्व है जो फ्लो वॉल्व है, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो फ्लोमीटर में बढ़ने लगती है और इसका जो ये नोब है जो इसमें एक निशान है ये वैसे वैसे ऊपर की तरफ जाता है। तो इससे हम पता लगाते हैं कि कितनी ऑक्सीजन की मात्रा मरीज को जा रही है। तो दोस्तों, उसके बाद फिर एक जरूरी चीज आती है, तो आप देख रहे होंगे कि ऊपर एक कनेक्टिंग कैनुला या कैनुला ट्यूबिंग के नाम से आप देख पा रहे हैं। तो ये कैनुला पोर्ट होता है, इस पे हमें ट्यूब को कनेक्ट करना होता है जो मरीज की तरफ जाती है। आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इसको हम ऑक्सीजन मास्क एंड कनेक्टिंग ट्यूब के नाम से जानते हैं। तो जो कनेक्टिंग ट्यूब है हम इस कैनुला के साथ या इस पोर्ट के साथ अटैच कर देते हैं और जो मास्क है वो हम मरीज के फेस पे लगा देते हैं अच्छी तरीके से, सो दैट ऑक्सीजन की मात्रा अधिक से अधिक मरीज के नाक से या सांस के साथ उसको मिल पाए, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो ये तो एक तरीका था जो हम कनेक्टिंग ट्यूब और ऑक्सीजन मास्क से ऑक्सीजन देते हैं। एक और तरीका होता है जिसको हम नेजल प्रोंग के नाम से जानते हैं। आप देख रहे होंगे कि सीधे नाक के अंदर 2 प्रोंग लगे हैं और जिसमें क्या फायदा होता है कि ऑक्सीजन का नुकसान कम होता है और अधिक से अधिक मात्रा में जो ऑक्सीजन है वो सीधे नाक के अंदर होते हुए मरीज के लंग्स तक चली जाती है। तो जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको हम ऑक्सीजन प्रोंग एंड कनेक्टिंग ट्यूब के नाम से जानते हैं। इसमें भी कनेक्टिंग ट्यूब को आपको ह्यूमिडिफायर के ऊपर जो पोर्ट लगा है वहां पे कनेक्ट करना होता है और नेजल प्रोंग को इस तरीके से आप मरीज के नाक में फिट कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा तरीका है जिससे आप घर पे मरीज को ऑक्सीजन दे सकते हैं। कितनी मात्रा में देनी है वो आप आसानी से ऑक्सीजन फ्लोमीटर से पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी भरा रहा होगा और आप आसानी से आप अपने घर पे अपने मरीज को ऑक्सीजन दे सकते हैं। और दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, सो दैट इस कोरोना टाइम में उन लोगों को इसका फायदा मिल सके। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।